नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो विधि शास्त्र का ये दूसरा वीडियो है और हमारा आज का टॉपिक है विधिक अधिकार के प्रकार एवं उसके आवश्यक तत्व। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अधिकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट। विधिशास्त्रीय विवेचना के अंतर्गत विधिक अधिकारों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है, पूर्ण अधिकार एवं अपूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका कोई न कोई सहसंबंधी कर्तव्य अवश्य होता है, जिसे विधिक रूप से परावर्तित कराया जा सकता है, इसके दावे पर उपचार उपलब्ध होता है। अपूर्ण अधिकार वह अधिकार होता है जो यद्यपि विधि द्वारा मान्य होता है किंतु वह विधि द्वारा अपरिवर्तनीय होता है, जैसे काल वर्जित ऋण के दावे, सिवाय इस अपवाद के कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। सकारात्मक अधिकार एवं नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार वह अधिकार होता है जिसका सहसंबंधी एक सकारात्मक कर्तव्य होता है और व्यक्ति जिस पर कर्तव्य अधिरोपित हो को कर्तव्य पालन के लिए वह व्यक्ति बाध्य कर सकता है जो अधिकार का दावा करता है। नकारात्मक अधिकार वह अधिकार है जिसका सहसंबंधी एक नकारात्मक कर्तव्य होता है। सर्वबंधी अधिकार एवं व्यक्तिबंधी अधिकार। जो अधिकार समाज, समुदाय, विश्व के सभी व्यक्तियों के विरुद्ध होता है उसे सर्वबंधी अधिकार या सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं और जो अधिकार केवल व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होता है उसे व्यक्तिबंधी अधिकार कहते हैं। सर्वबंधी अधिकार प्रायः वस्तुओं से संबंधित होते हैं जबकि व्यक्तिबंधी अधिकार केवल संबंधित पक्षकारों के संबंधों पर आधारित होता है। संविदात्मक अधिकार व्यक्तिबंधी अधिकार है। यह विभेद रोमन विधि के सिद्धांत पर आधारित है। निहित अधिकार और सम्मिश्रित अधिकार। जब कोई अधिकार किसी अपहित हित को सृष्ट करता है तो उसे निहित अधिकार कहते हैं। यह किसी भावी घटना या आचरण पर किसी व्यक्ति में निहित अंतरणीय तथा दाय योग्य होता है। किसी भावी घटना के घटित होने या न होने पर आधारित होते हुए सृष्ट होने वाला अधिकार सम्मिश्रित अधिकार होता है। इसका सृजन उक्त घटना के यथास्थिति घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। संपत्तिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। संपत्तिक अधिकार मनुष्य की संपत्ति या संपदा में निहित होते हैं। इन अधिकारों का वित्तीय महत्व होता है तथा वे व्यक्ति की संपत्ति, उसकी अस्थियों तथा कीर्ति आदि से संबंधित होते हैं, परंतु मनुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों का संबंध उसके व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा, हैसियत से होता है। ऐसे अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। अतः किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसकी हैसियत उसके व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को पिता या पत्नी की हैसियत से जो अधिकार अपने बच्चों या पत्नी के प्रति प्राप्त होते हैं वे व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। संपत्तिक अधिकार और व्यक्तिक अधिकारों में मुख्य भेद इस प्रकार हैं। मनुष्य के संपत्तिक अधिकारों के योग से उसकी संपत्ति या संपदा गठित होती है, जबकि उसके समस्त व्यक्तिक अधिकारों के योग से उसकी परिस्थिति स्थापित होती है। संपत्तिक अधिकार अंतरणीय होते हैं जबकि व्यक्तिक अधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार संपत्तिक अधिकारों पर उत्तराधिकार होता है परंतु व्यक्तिक अधिकारों पर उत्तराधिकार नहीं होता है। संपत्तिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। स्व वस्तु में अधिकार, पर वस्तु में अधिकार। जब किसी व्यक्ति का उसकी निजी संपत्ति पर अधिकार होता है तब वह अधिकार स्व संपत्तिक अधिकार कहलाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार रखता है तो वह अधिकार पर संपत्तिक अधिकार कहलाता है। किसी भूस्वामी का उसकी भूमि पर स्व संपत्ति का अधिकार होता है परंतु उसकी भूमि से लगी हुई दूसरे की भूमि पर आने जाने का उसका अधिकार पर संपत्ति का अधिकार होगा। पर संपत्ति का अधिकार का विलंगम भी कहते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो एक ही विषय वस्तु के संबंध में किसी दूसरे व्यक्ति के अधिक व्यापक अधिकार से लिया जाता है। पर संपत्ति का अधिकार में अधिकार का धारणकर्ता पर पूर्ण अधिकार नहीं होता। संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व का अधिकार तो किसी अन्य व्यक्ति में ही निहित होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किसी दूसरे व्यक्ति के पास
बंधक रखता है तो बंधक कर्ता ने मकान संबंधी अपने सांपत्तिक अधिकार का विभाजन करके उस पर भार उत्पन्न कर लिया है। ऐसी स्थिति में बंधकी को उस मकान पर परसंपत्तिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, और यदि यह बंधक कब्जे के साथ हो तो उसे अस्थायी स्वामित्व भी प्राप्त हो जाएगा। परंतु किसी भी स्थिति में बंधकी का यह अधिकार पूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि बंधककर्ता को बंधक के मोचन का अधिकार रहता है। इस उदाहरण में बंधककर्ता का मकान संबंधी जो पूर्ण स्वामित्व अलग हो गया, वहां पर परसंपत्तिक अधिकार कहा जाएगा और उसका मकान भारग्रस्त मात्र हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बंधकी का परसंपत्तिक अधिकार बंधककर्ता के स्वसंपत्तिक अधिकार पर भार होगा। सामंत के अनुसार विलंगम के चार मुख्य प्रकार हैं। पट्टा, पट्टे में संपत्ति का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति में निहित रहता है, जबकि उस संपत्ति का कब्जा तथा उपयोग किसी अन्य व्यक्ति में निहित होता है। अतः स्वामित्व और आधिपत्य के न्यायोचित बंटवारे को पट्टा या लीज कहते हैं। सुविधा भार, सुविधा भार में व्यक्ति को केवल भूखंड के सीमित उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है तथा स्वामित्व तथा कब्जा उसे अंतरित नहीं किया जाता है। सुविधा भार संबंधी अधिकार या तो सामूहिक या व्यक्तिगत हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी मार्ग पर आने जाने का अधिकार यदि जन साधारण को प्राप्त है तो वह सामूहिक सुविधा भार होगा, किंतु यदि वह किसी व्यक्ति विशेष या फिर कुछ व्यक्तियों को ही अधिकार प्राप्त है तो वह व्यक्तिगत सुविधा भार होगा। सामान्य सुविधा भार को परिभाषित करते हुए कहा कि सुविधा भार विलंगम का एक ऐसा रूप है जो व्यक्ति का किसी भूखंड पर कब्जे के बिना सीमित उपयोग का अधिकार देता है, तथा यह पट्टे से इस अर्थ में भिन्न है कि उसमें पट्टे में उपयोग के साथ कब्जे का अधिकार भी प्राप्त होता है। सुखाधिकार या परस्व भोग सुविधा भार के सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रतिभूति, प्रतिभूति एक ऐसा भार है जो किसी लेनदार को उसके ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है ताकि ऋण की वसूली की सुरक्षा बनी रहे। प्रतिभूति या तो बंधक के रूप में हो सकती है, न्यास एक ऐसा अभिभार है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए सामयिक बाध्यता द्वारा सीमित होता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित या लाभ के लिए तीसरे व्यक्ति को सौंपता है तो यह न्यास का निर्माण हुआ तथा यह तीसरा व्यक्ति उस संपत्ति का न्यासी कहलाएगा। जिस व्यक्ति के हित के लिए न्यास की निर्माण हुआ है वह हितग्राही कहलाएगा। विधिक अधिकार और सामयिक अधिकार। ब्रिटेन में प्रचलित अधिकारों का यह वर्गीकरण न्यायालयों की मान्यता पर आधारित है। कॉमन लॉ के न्यायालयों के द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय अधिकारों को विधिक अधिकार तथा चांसलरी न्यायालयों के द्वारा मान्य और प्रवृत्त कराए गए अधिकारों को सामयिक अधिकार माना गया है। भारत में ऐसा कोई प्रभेद मान्य नहीं है, यद्यपि भारतीय न्यायालय कुछ मामलों में साम्य के अनुसरण में कुछ अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं, किंतु वे किसी विधि के अनुसरण में ही न कि उसके विरोध में। सामान्यता किसी विधि या संविधि द्वारा प्रदत्त अधिकार विधिक अधिकार माने जाते हैं और न्यायालय के द्वारा साम सिद्धांत के अनुसरण में मान्य अधिकार सामयिक अधिकार की श्रेणी में आ सकते हैं। लोक एवं प्राइवेट अधिकार। राज्य में निहित अधिकार लोक एवं व्यक्तियों में निहित अधिकार प्राइवेट अधिकार कहलाते हैं। लोक विधि राज्य द्वारा राज्य एवं नागरिकों के संबंध को लागू करता है, प्राइवेट विधि प्राइवेट अधिकारों को संरक्षित एवं लागू करता है। विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व। सामंत के अनुसार विधिक अधिकार में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अधिकार का धारण करता, विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है, ऐसे व्यक्ति को संदर्भ अनुसार व्यक्ति का स्वामी या उसका कर्ता अथवा हकदार व्यक्ति कहा जाता है। बिना व्यक्ति के विधिक अधिकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि अधिकार का हकदार व्यक्ति कोई निश्चित या निर्धारित व्यक्ति ही हो। उदाहरण के लिए अजन्मा बालक भी अधिकार का हकदार हो सकता है, यद्यपि उसके जीवित जन्म लेने के बारे में कोई निश्चितता नहीं रहती है। इसी प्रकार किसी संस्था या समिति की विधिक अधिकार हो सकते हैं, भले ही उसके सदस्यों की संख्या अनियमित हो। अधिकार से अबाध्य व्यक्ति। विधिक अधिकारों का प्रयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, ऐसे व्यक्ति पर तत्संबंधी कर्तव्य करने का भार होता है।
अतः जिस व्यक्ति को कर्तव्य करते हुए अधिकार का भार वहन करना पड़ता है उसे कर्तव्य का कर्ता या अधिकार से अबाध्य व्यक्ति कहते हैं। अधिकार की अंत वस्तु। विधिक अधिकार अबाध्य व्यक्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार कार्य या कार्य लोप को अधिकार की अंत वस्तु कहते हैं। अधिकार की विषय वस्तु। अधिकार के धारणकर्ता को जो विधिक अधिकार रहता है वह किसी वस्तु से संबंधित रहता है, परंतु हॉलैंड का मत है कि सभी अधिकारों में इस तत्व का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए खा का नौकर है, यहाँ का अधिकार का धारण करता है तथा खा उस अधिकार में बाध्य व्यक्ति है। खा द्वारा का की सेवा की जाना अधिकार की अंतर्वस्तु है। अधिकार की विषय वस्तु निश्चित, अनिश्चित अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष कैसी भी हो सकती है, जैसे ख्याति, कौशल, ज्ञान आदि किसी व्यक्ति के अधिकार की विषय वस्तु हो सकती है जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। अधिकार का स्वतत्व या हक। प्रत्येक विधिक अधिकार के साथ अधिकार के धारणकर्ता का स्वतत्व हक जुड़ा होता है। स्वतः टाइटल उन तथ्यों तथा घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसके कारण विधिक अधिकार धारण करता में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।